नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान न्यूज के इस बुलेटिन में। सबसे पहले आपकी सूचना हेतु बता दें कि आज सोशल जस्टिस डे है, अर्थात हमारे समाज के सभी तबकों को उचित न्याय मिले। साथ ही आज महिला सम्मान दिवस भी है, अर्थात हमें नारी शक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको उचित विज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध होती रहे। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए संपन्न, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहे चुनाव। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट मोड पर, छात्र संघ चुनाव में नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर 3 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत बड़ी के बड़ी तालाब पर चादर चलने पर दीवार टूटी, लेकिन प्रशासन बेखबर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और उदयपुर के जिले के सलुम्बर में बस्सी साम चोत की उच्च माध्यमिक स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे हुए घायल। खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय सहित पूरे प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में मतदान संपन्न हुए। सुबह 8 बजे शुरू हो गए मतदान के दौरान छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर जहां एक ओर छात्र छात्रा अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के संगठन सभी महाविद्यालयों में मतदान के दौरान अच्छा खासा उत्साह नजर आया। मतदान से पहले महाविद्यालय के बाहर जमा हुए छात्र छात्राओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए प्रत्याशी नजर आए। आपको बता दें कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुलदीप सिंह और एनएसयूआई के देव सोनी के बीच सीधी टक्कर है। इससे पहले सुखाड़ा विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निखिल राज सिंह एबीवीपी से हैं। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से एनएसयूआई सेंधमारी करने की कोशिश में लगी हुई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। कन्या महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए महाविद्यालय पहुंची, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने पक्ष में मतदान करवाने को लेकर विभिन्न प्रकार से जतन करते हुए दिखाई दिए। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने के चलते कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे है, आपने देखा है कि कोविड के बाद अब ये बहुत लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों में उत्साह भी है उसका। और सब जगह हम चाक चौबंद व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी सब ग्राउंड पे हैं और चेकिंग कर रहे हैं और छात्रों को एडमिट कार्ड देके प्रवेश दिया जा रहा है और फ्री और फेयर चुनाव की पूरी व्यवस्था करवाने की कोशिश की जा रही है। पोलिंग सेंटर से थोड़ा दूर रखा गया छात्रों को और आगे व्यवस्था इसी तरह से रखी जाएगी। मतगणना को लेकर क्या रहेगा सर? ये सेम व्यवस्था हम इंश्योर करेंगे और जो मतगणना सेंटर है उसके आसपास फोर्टिफाई करेंगे जाप्ता और लगा के। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के अच्छे बंदोबस्त थे, तो वहीं दूसरी ओर कॉमर्स कॉलेज के बाहर हुड़दंग करते 3 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल ये 3 छात्र कॉमर्स कॉलेज के बाहर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में कॉलेज के बाहर पैम्पलेट हवा में उड़ा रहे थे, तो नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों को हिरासत में भी लिया गया सर? कहीं अगर ऐसी कोई बात आई है जहां पे कुछ कानून वायलेशन की बात हुई है तो वहां पे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। मावली तहसील में लंबे समय के बाद शुक्रवार का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया। ईश्वर की असीम कृपा से प्रदेश व मावली में 2006 के बाद 2022 में करीब 16 साल बाद छलका खुशियों का सागर गंधर्व सागर। 14 फीट भराव क्षमता वाला ओवरफ्लो हुए गंधर्व सागर को 16 साल बाद मावली तहसील व आसपास के लोग व गांवों के लोग देखने पहुंच रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में तालाब में गंगा मैया की विधि विधान से पूजा वंदना की गई व क्षेत्र में
कल्याण हेतु आरती कर कामना की गई। इस दौरान मावले विधायक धर्म नारायण जी जोशी, सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित, जिला महामंत्री यशवंत पुरोहित, लक्ष्मण सिंह, कमलेश मुकेश पटवारी, युवराज सिंह, दौलत राम डांगी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। गांवों के लोगों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब सिंचाई हेतु पर्याप्त जल संसाधन मिल पाएंगे। बीते दिनों सोमवार से लेकर मंगलवार को हुई अच्छी बारिश से कैचमेंट एरिया व राजसमंद से अधिकतम पानी की आवक से गंधर सागर छलक गया। ग्राम पंचायत मानकावास सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित ने सभी पंचायत ग्रामवासियों को गंधर्व सागर के छलकने की शुभकामनाएं दी व गंधर्व सागर के पानी के किनारों से दूर रहने की अभी हिदायत दी है। मावली तहसील का यह तालाब 800 साल पुराना है। तालाब जो कई गांवों को पीने व सिंचाई हेतु काम आता है। गंगा मैया के आशीर्वाद से 16 साल बाद मावली व पंचायत के सभी लोगों में गंधर्व सागर के छलकने को लेकर काफी खुशी का माहौल है। ये गंधर्व सागर तालाब हमारा 2006 के बाद इस बार वापस 2022 में ओवरफ्लो हुआ है। लगभग ये 15-16 साल का गैप हो गया तालाब को ओवरफ्लो होने में। तो ग्रामीणों में कितनी खुशी है? ग्रामीणों में बहुत खुशी है, क्योंकि ये तालाब बहुत प्राचीन भी है, लगभग 800,000 साल पुराना तालाब है और इस तालाब से बहुत सारे गांव लाभान्वित होते हैं। इसमें आप समझ लो कि घासा पंचायत, मानथला पंचायत, रख्याल पंचायत, तीन पंचायतों में तो इसमें इरीगेशन का जो पानी जाता है जिसमें लोग गेहूँ की फसल में बुवाई करते हैं, इसमें पूरा तालाब सिंचाई में काम आता लोगों के लिए। 14 फीट भराव क्षमता वाला हमारा तालाब आज रात 3 बजे के लगभग ओवरफ्लो हो गया। अच्छी पानी की आवक की वजह से ओवरफ्लो लंबा चलेगा इस बार, और उधर से जो राजसमंद की तरफ से जो पानी आता है, इस बार अच्छे पानी की आवक हुई है तो पानी भी ओवरफ्लो के और साइड में भी निकलने लग गया। अभी पुलिस अपने पंचायत प्रशासन और इरीगेशन विभाग अभी और मेहनत करके इसको मिट्टी डलवा के अभी पाल वगैरह और सीधी करवा रहे हैं। पानी की आवक बढ़ी है और मैं सभी लोगों पर ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी के बहाव क्षेत्र से वगैरह आप सभी दूर रहें। इस बार गंगा मैया की विशेष मेहरबानी है तो आप थोड़ा सावधानी रखें, पानी से दूर रहें। ये पानी कहाँ जा रहा है आगे? ये पानी यहाँ से सीधा घासा खेमली होते हुए सीधा ये वल्लभ नगर जाएगा, नामरी की नदी से होते हुए सीधा। अच्छा, तो ये गंधर्व सागर है? ये गंधर्व सागर घासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत मानथला में स्थित है ये। महिला समानता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज नगर निगम टाउन हॉल स्थित सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला सम्मान को लेकर चर्चाएं की गईं व विचारों को व्यक्त किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने उदयपुर के लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही उदयपुर की विमला देवी ने चिरंजीवी योजना का फीडबैक भी दिया। गीतांजलि में निःशुल्क हुआ उनका किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बारे में बताया और विमला देवी ने योजना के प्रावधान को भी बताया। साथ ही राज्य सरकार का आभार जताते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम में जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शामिल हुई। उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित हजारों महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी। नारी शक्ति को सम्मान देते हुए सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, आप सभी को विदित है कि महिलाएं को आगे लाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक तरह से सपना है और वो हमेशा प्रयास करते हैं कि महिलाएं आगे आए। आपने अगर मुख्यमंत्री महोदय का आज उद्बोधन सुना तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है और राज्य सरकार विभिन्न प्रयास करके महिलाओं को आगे लाने का कोशिश कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम आपको सामने दिख रहे हैं। जो हमारा सेक्स रेशियो है, महिला पुरुष का अनुपात है, वो भी काफ़ी बड़ा है और महिलाओं के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। ये जो महिलाएं आज एकत्रित हुई तो ये वो सरकार की योजनाओं को ग्राउंड तक आम जन को बताएगी और इनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को देंगे। उदयपुर ज़िले में हम महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने का और उनके विकास का हम प्रयत्न कर रहे हैं। चूँकि हमारा क्षेत्र दूर दराज का आदिवासी क्षेत्र भी है तो जिला प्रशासन सभी विभागों के सहयोग से इनके कल्याण, उत्थान और इनको आगे लाने के लिए तत्पर है और इसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं, अच्छी प्रगति हो रही है इसमें। ग्राम पंचायत बड़ी के बड़ी तालाब पर आज ग्रामीण विधायक फूल सी मीणा एवं बड़गांव पंचायत समिति प्रधान प्रतिभा नागदा द्वारा दौरा किया गया। लगातार ग्रामीणों की शिकायत पर आज विधायक फूल सी मीणा मौके पर गए, जहां पर तालाब पर पानी की चादर चलती है, वहां पर दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां दीवार क्षतिग्रस्त हुई है वहां पर विकट मोड़ भी है एवं सामने ही बिजली विभाग का ट्रांसफर लगा हुआ है और इधर तालाब की ओर से 15 फीट गहराई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर
महोदय को भी 3-4 दिन पहले सूचना दी गई थी, जिस पर कलेक्टर महोदय ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी अभी तक दीवार को सही नहीं किया गया। इसके साथ ही यह स्थान विश्व विख्यात है, जहां पर्यटकों का लगातार आना जाना लगा रहता है। रात को बहुत ही अंधेरा रहता है, पहले भी कई बार रूट की वारदातें हो चुकी है। पाल पर 1-2 लाइटें ही लगी हुई है, वह भी काफी समय से बंद है। आज हमारे ग्राम पंचायत बड़ी में पंचायत समिति बड़गांव के बड़ी तालाब का यह कॉर्नर है, आउटलेट है या नाले के पास में ये कॉर्नर पे है। बिल्कुल 20 फीट नीचे खड्डा है और यहाँ की दीवार टूट गई है। प्रधान साहब और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ जो मेरे को कहा और मैं भी आया हूँ, प्रधान साहब भी आकर मौका देखा, कलेक्टर साहब को भी बता दिया, मगर 3 दिन हो गया अभी तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इधर तो डीपी आ गई है, चट्टान आ गई है, लंबा ट्रबा आया तो ये सीधा बड़ी के तालाब में गिरेगा। इस वजह से मैं पुनः कलेक्टर साहब का ध्यान यहाँ पर बड़ी तालाब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा था कि काम हो गया होगा, मगर आज की तारीख में भी मैं और प्रधान साहब और पूरे हमारी टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो अभी भी ये हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारा वार्ड पंच साहब है, उन्होंने बेचारे ने कांटा लगाकर झाड़ियाँ और ये पत्थर लगाकर यहाँ पर बचाव कर रखा है कि कोई यहाँ पर हादसा ना हो जाए। इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस पे संज्ञान लेकर इसका मतलब दुरुस्त करा के बंदोबस्त करें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो गया तो लेने का देना महंगा पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर जिले के सलुम्बर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सामने आई खबर में जहां पर बस्सी सामचोत की उच्च माध्यमिक स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों बच्चों को उपचार के लिए रेफर किया गया। दरअसल सलुम्बर उपखंड क्षेत्र के बस्सी सामचोत की उच्च माध्यमिक स्कूल 2 दिन बाद आज खुला है और पढ़ाई करते वक्त अचानक स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने भागकर जान बचाई। इसी दौरान 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए व चोटिल हो गए। सभी बच्चों को सलुम्बर रेफर किया गया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए संपन्न, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहे चुनाव। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट मोड पर, छात्र संघ चुनाव में नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर 3 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत बड़ी के बड़ी तालाब पर चादर चलने पर दीवार टूटी, लेकिन प्रशासन बेखबर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और उदयपुर के जिले के सलुम्बर में बस्सी सामचोत की उच्च माध्यमिक स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे हुए घायल। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज नाहर मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खीची, मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में
राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।